आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने वैदिक सूक्त पुष्पांजलि में वरुण सूक्त के 16 मंत्रों का पारायण कर लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो जैसे अभी तक हमने यह वरुण के बारे में जान लिया है कि वरुण जो है वह आकाश में चलने वाले पक्षियों के मार्ग को भी जानता है और धरती पर समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को भी जानता है। तो आगे कहते हैं 17वें मंत्र में, सनु वोचावहे पुनर्यतो में मध्वावृतम होते व क्षदसे प्रियम कि नु संवोचावहे, हे वरुण नु संवोचावहे, ये द्विवचन में है संवोचावहे। तो हम दोनों परस्पर संवोचावहे, परस्पर वार्तालाप करें। यतः में मधु आवृतम, क्योंकि मैंने आपके लिए क्या किया है, स्वादिष्ट हवि लाया हूँ मैं आपके लिए। तो हम दोनों आपस में बात करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट हवि लाया हूँ जो आपको प्रदान करूँगा। और पुनः प्रियम होता इव क्षदसे, और कहते हैं कि आप जो हैं, जो मैं हवि लाया हूँ, इस हवि को आप खाएंगे, ग्रहण करेंगे, ऐसा कहा, भक्षण करेंगे। तो हे वरुण, इसको एक बार फिर से समझते हैं, हे वरुण हम दोनों मिलके वार्तालाप करें, मैं आपके लिए उत्तम हवि लाया हूँ, मधु लाया हूँ, और आप मेरी हवि को ग्रहण करेंगे, उसको खाएंगे, उसको उसका भक्षण करेंगे। तो इस तरह से यह कवि ऋषि ने कहना चाहा है कि मेरी और आपकी बातचीत हो। बातचीत इसलिए हो कि आप मेरे ऊपर क्रुद्ध ना हो। प्रारंभ में ही ऋषि ने कहा है कि आप मेरे ऊपर क्रुद्ध मत होइए, लापरवाही हो गई है मुझसे, लेकिन आप मुझे मेरे ऊपर क्रुद्ध मत होइए, ऐसा ऋषि ने कहा है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपके लिए हवि लाया हूँ, इसलिए हवि क्यों लाया हूँ, तो हवि लाऊंगा, आप उसका भक्षण करेंगे तो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसके मेरे मनोनुकूल वर आप देंगे, यह इसका कहने का तात्पर्य है। इसमें जो जानने योग्य विशेष बात है वह यह है कि संवोचावहे कहा कि हम आप और हम बात करें, और मैं आपके लिए हवि लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करें। तो यह है कि ऋषि के समक्ष वह देवता आते हैं और उस हवि को स्वयं ग्रहण करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। वैसे तो अग्नि में आहुति दी जाती है और अग्नि लेकर जाता है उसको, ऐसा अग्नि सूक्त में हमने पढ़ा है, लेकिन यह भी माना जाता है कि वह देवता उस यज्ञ में स्वयं उपस्थित होते हैं और हवि को ग्रहण करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। आगे कहते हैं, दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधिक क्षमी एताजुषत में गिरह कि नु विश्व दर्शतम दर्शम, मैंने निश्चय ही सब देव सबों से देखने योग्य वरुण को देख लिया है। नु निश्चय ही विश्व दर्शतम, सबके द्वारा देखे जाने योग्य दर्शम वरुण को देख लिया है। विश्व दर्शतम किसके लिए हुआ है, सबके द्वारा देखे जाने योग्य वरुण, यहाँ तक विश्व दर्शतम का होगा। दर्शम मतलब देख लिया है। क्षमी रथम अधिदर्शम, और दूसरी बात क्या कहते हैं, पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूँ। किसको, क्षमी रथम अदर्शम अधिदर्शम, मैं उसके रथ को देख रहा हूँ। किसके रथ को, वरुण के रथ को। मैं एताह गिरह जुषत, मेरी प्रार्थनाओं को वरुण ने स्वीकार कर लिया है। मैं एता, ये जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, गिरह एता गिरह जुषत, वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है।
पहली बात क्या कही कि विश्व उस वरुण के दर्शन करता है, विश्व दर्शतम, तो विश्व उस वरुण के का दर्शन करता है, तो मैंने भी उस वरुण का दर्शन, वरुण के दर्शन कर लिए हैं। दूसरी बात क्या कही कि वरुण रथ पर सवार, तो मैंने वरुण के रथ को, पृथ्वी पर तो मैं हूँ, क्षमी, मैं पृथ्वी पर हूँ, लेकिन रथम अधिदर्शम, वरुण के रथ को मैंने देख लिया है, यानी कि मुझे वरुण के साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो अब चूंकि वरुण के दर्शन हो गए हैं तो मैं वरुण की प्रार्थना कर रहा हूँ, वरुण की स्तुति कर रहा हूँ, तो वरुण जो है मेरे इस मेरी इस प्रार्थना को वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। आगे कहते हैं कि इमम में वरुण श्रुधि हवमद्याच मृड़य त्वाम वस्युराचके, वरुण में इमम हवम श्रुधि च अद्य मृड़य अवस्यु त्वाम आचके, हे वरुण मेरे इस आह्वान को सुनो, वरुण में इमम हवम श्रुधि, हे वरुण में मेरे इमम इस हवम आह्वान को श्रुधि सुनो, मैं जो आपको पुकार रहा हूँ, मैं जो आपकी स्तुति कर रहा हूँ, मैं जो आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको आप सुने, च अद्य मृड़य, और आप मुझे मृड़य सुखी बनाएं, सुखी बनाएं। रक्षण का इच्छुक मैं तुझे पुकार रहा हूँ, रक्षण का इच्छुक मैं तुझे पुकार रहा हूँ, कैसे, अवश्युह, अवश्युह मतलब होता है कि रक्षा प्राप्त करने का इच्छुक, अवश्युह, अब मैं आपसे रक्षा चाहता हूँ, इसलिए अहम अवश्युह, मैं रक्षा प्राप्त करने का इच्छुक हूँ, किससे, त्वाम आचके, तुमसे हूँ इसलिए तुमको आचके बुला रहा हूँ, त्वाम आचके, क्या है, वरुण आ रहा है और वरुण को ये ऋषि पुकार पुकार के कहते हैं सुनाशेप कि हे वरुण मैं जो तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, मैं जो तुमको बुला रहा हूँ, मैं जो तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको तुम सुनो, और जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे तो निश्चय ही मुझे प्रसन्न करोगे, इसलिए आज मुझे प्रसन्न करो, क्यों, क्योंकि जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया था कि वरुण जो है वह क्रुद्ध ना हो जाए, यह ऋषि उससे प्रार्थना कर रहा है, तो अब वरुण शक्तिशाली देवता है, तो उसके हाथ में पाश है, यह सब जो वर्णन है कि वह आकाश में उड़ने वाले पक्षी के मार्ग को भी जानता है और समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को भी जानता है, ये सब उसकी शक्ति को बताते हैं, तो वैसे वरुण को मैं इसलिए पुकार रहा हूँ ताकि वह मेरी रक्षा करे, अवश्य वह मेरी रक्षा करे, ऐसे वरुण को मैं त्वाम आचके, ऐसे वरुण मैं तुमको, हे वरुण मैं तुमको आचके बुला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। श्रुधि जो इसमें श्रुत श्रुधि सुनने के अर्थ में है, और मृड़य जो है वह सुख देने के अर्थ में आता है। आगे कहते हैं भीष्मा मंत्र है, त्वं विश्वस्य मेधिरे दिवश्च गमश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुधि, मेधिर हे प्रज्ञावान वरुण, तुम्हें त्वं दिवसश्च गमः, तुम द्युलोक और भूलोक के दिवश्च, दिवश्च मतलब हो गया द्युलोक जहाँ सूर्य है, और गमश्च मतलब भूलोक के विश्वस्य राजसी, और साथ ही साथ संसार के विश्वस्य, तुम द्युलोक पर भी राज करते हो,
पृथ्वी पर विराज करते हो और संपूर्ण ब्रह्मांड पर, संपूर्ण विश्व पर तो है ही, विश्वस्य राजसी, संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करते हो। द्युलोक पर जहाँ सूर्य है, पृथ्वी पर जहाँ पृथ्वी है, और विश्व से उससे परे भी कुछ है तो वो ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड पर भी तुम राज करते हो। यामनि प्रतिश्रुधि, तुम क्या करो, यामनि प्रतिश्रुधि, तुम यामनि, यामनि मतलब मार्ग में यात्रा कराने के लिए, हमारी लोक यात्रा कराने के लिए प्रतिश्रुधि, प्रतिज्ञाबद्ध हो, प्रतिज्ञा करो। वरुण जो है वह पहली बात क्या कही, द्युलोक का राजा है, दूसरी बात क्या कही, वह पृथ्वी का भी राजा है, और तीसरी बात क्या कही कि संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है। तो फिर मेरी जो यह लोक यात्रा चलेगी, उस लोक यात्रा को सही ढंग से मैं कर पाऊँ, इसके लिए तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो, मुझे मेरे समक्ष प्रतिज्ञा करो कि हाँ मेरी लोक यात्रा अच्छी चलेगी, मेरी लोक यात्रा में कोई बाधा नहीं होगी, तुम मेरी रक्षा करोगे। यह यहाँ पर वरुण से ऋषि मांगता है, क्योंकि संसार की यात्रा तो चलेगी व्यक्ति की, ऋषि की यात्रा तो चलेगी, वो तो रुकेगी नहीं, वो ऋषि भी संसार में यात्रा करेगा, उसका भी जीवन चलना है, तो उस जीवन के चलने के लिए वरुण ने प्रतिज्ञाबद्ध होना है कि हाँ तुम्हारा जीवन बढ़िया चलेगा इस संसार में, उसका दायित्व मेरा है, यह कहने का भाव है ऋषि का, कि मेरी जो जीवन यात्रा चलेगी उस जीवन यात्रा को सुखमय बनाने का दायित्व आप लें। यह इसका वास्तविक अर्थ है, किसका, ये जो कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, मेरी लोक यात्रा के लिए तुम प्रतिज्ञा करो, यह उसका अर्थ हुआ। और अब 21वां श्लोक है जो कि वरुण सूक्त का अंतिम मंत्र है। उदुत्तमम मुमुग्धिनो विपाशम मध्यमम चृत अवाधमानि जीवसे, हे वरुण न जीवसे उत्तमम पाशम उन मुमुग्धि, हे वरुण हमारे जीवन के लिए उत्तम ऊपर वाले पाशम फंदे या बंधन को उन मुमुग्धि छुड़ा दो। मध्यमम बीच वाले पाश को विचलित नष्ट कर दो, और अधमानी अधम अंग वाले पाशों को अब दूर कर दो। आपको बताया मैंने कि वरुण के हाथ में पाश है, तो पाश से वह क्या करता है कि जीव के तीनों अंगों को, ऊपरी भाग, मध्यम भाग और नीचे का भाग, तीनों को बांध देता है। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि न जीव से हमारे जीवन के लिए, ताकि हम सही ढंग से जी सकें, उत्तमम पाशम उन्मुग्धि, जो हमारे ऊपर में आपने पाश लगा रखा है, रस्सी लगा रखी है, उन्मुग्धि उसको आप, उन्मुग्धि उसको आप हटा दें। और मध्यमम विचरित, और मध्यम पाश को भी आप क्या कर दें, विचरित हटा दें, नष्ट कर दें। और अधमानी अव, और जो नीचे पाश है उसको भी आप दूर कर दें। क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि मनुष्य बंधा हुआ है कामनाओं से, अन्य चीज़ों से, तो यह कहा गया कि वरुण ने तीनों जगह मान लो उसको बांध रखा है, तो कह रहे हैं कि हमारा जो ऊपरी हिस्सा है जिसको आपने बांध रखा है उसको भी आप हटा दें, मध्यम हिस्से को भी हटा दें, और जो अधम हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसको भी आप हटा दें। ऐसा कौन कह रहा है, ऋषि कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, वरुण को कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि ऋषि हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, और उनको यह लग रहा है कि
वरुण का पाश यदि समाप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन जो है वह मुक्त हो जाएगा, यह यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो सीधा सा इसका अर्थ यह निकलता है कि ऋषि जीवन की कामना कर रहा है कि जीवन जो वरुण के फंदे में फंसा हुआ है उस फंदे से यदि यह जीवन निकल जाए तो यह जीवन बहुत ही अच्छा और सुंदर हो जाए। इस प्रकार से हमने वरुण सूक्त का पूरा पारायण किया। आगे हम सोमवार से जो है फिर से प्रथम पत्र ही देखेंगे। तो आइए, द्वितीय प्रश्न पत्र है तो आगे हम प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे, उसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ ऐसे हिस्से को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।